नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बिहार में जो विपक्षी अलायंस था उसकी मुश्किलें कुछ सुधरी, खत्म हुई तो कुछ जस की तस बरकरार है। सीट शेयरिंग का ऐलान आज बिहार में कर दिया गया। इसमें आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस पार्टी 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर किस्मत आजमाने जा रहा है, अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है। अब इसमें पूर्णिया की सीट शामिल है जिस पर बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव पहले ही कैंडिडेट बना चुके हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ने के मूड में है। लगातार उनकी तरफ से कई तरह की चेतावनी भी आई, उन्होंने ये भी कहा कि वो उसी सीट को जीतेंगे। राहुल गांधी का जो मैसेज है पूरे भारत में इसे फैलाएंगे और जीत कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लेकिन पप्पू यादव भले ही पीछे हटने को तैयार दिखाई ना देते हों, उनकी पार्टी कम से कम सीट शेयरिंग के बाद पीछे हटती दिखाई दे रही है। और इस ऐलान से पहले, इस सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले उन्होंने जो पोस्ट किया वो मैं आपको बता दूं। सीमांचल कोसी जीतकर देश में वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराना चाहते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये तो रहा पप्पू यादव के हाथ जो निराशा आई है। अब दूसरा शख्स जो निराश हुआ है वो है कन्हैया कुमार। बेगूसराय से लेफ्ट के टिकट पर लड़े थे चुनाव 2019 में, हार गए थे। हार भी क्या, करारी हार मिली थी। कांग्रेस में आ गए लेकिन किस्मत बदलते दिखाई नहीं दे रही और इस बार तो टिकट भी हाथ में नहीं आ पाया है क्योंकि बेगूसराय की सीट सीपीआई के खाते में गई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। एक खींचतान बिहार में है तो दूसरी महाराष्ट्र में, जहां आप जानते ही हैं उद्धव गुट यूबीटी पहले ही कुछ कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुका है, जिसमें कि सांगली की सीट भी शामिल है जिसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को वहां पर काफी स्ट्रांग बताती है। लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे ने कई कैंडिडेट्स का ऐलान अपने गठबंधन के धर्म का पालन किए बिना ही कर दिया। उसके बाद संजय निरुपम का गुस्सा सबने देखा, उन्होंने अपनी पार्टी को भी धमकाया ये कहते हुए कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। हालत ये हो गई है कि अब खुद शरद पवार को उद्धव ठाकरे को गठबंधन का धर्म याद दिलाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही जहां एक तरफ बीजेपी ने पूरे प्लानिंग के साथ अपनी ताकत झोंक दी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक तकरार जारी है। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय तो हो चुका है लेकिन कुछ सीटों पर खींचतान शुरू हो चुकी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी जिसमें सबसे ज्यादा 26 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 9 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, राष्ट्रीय जनता दल, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण। देखिए, एक बात क्या देखना है, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। ये मन की डीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के। बिहार में महागठबंधन के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर बात बन गई है लेकिन इससे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया सीट आरजेडी के हिस्से में आई है, हालांकि आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे और कांग्रेस में पप्पू यादव इसी शर्त पर गए कि उन्हें इंडिया गठबंधन से पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पप्पू यादव की रणनीति धरी की धरी रह गई। हालांकि पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं कन्हैया कुमार के साथ भी खेला हो गया। बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। 2019 का चुनाव कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लड़े थे। इस चुनाव में कन्हैया को करारी हार मिल गई थी। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन सीट बंटवारे में एक बार फिर ये सीट सीपीआई के हिस्से में आ गई। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, सांगली और भिवंडी सीट पर एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया जबकि सीट से कांग्रेस नेता संजय निरुपम लगातार अपनी दावेदारी ठोकते हुए
बागी तेवर अपनाए हुए। अब कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि शिवसेना गठबंधन धर्म का पालन करे और सांगली और मुंबई की सीट कांग्रेस को दे। दो दिन से शिवसेनेनी यादी जाहीर केली आहे, खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबई मधलं सुद्धा धारावी जिथे येते तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आलो। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम है। साथ ही संजय राउत ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश का नेतृत्व करना चाहिए और हम उसके प्रयास में पार्टी का समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ एक सीट के लिए बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई छोड़ देगी? बात ऐसी है कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोगों से। अब वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे, ये बातचीत हो गई है। सांगली वाली सीट है, सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। महाराष्ट्र टू बिहार इंडिया गठबंधन में सीटों पर घमासान लगातार मचा हुआ है। पहले चरण की तारीख नजदीक आ चुकी है, लेकिन अभी भी गठबंधन की गांठ खुलने के नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, महेश चव्हाण प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद गुट के, अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार यादव आरजेडी के प्रवक्ता, और राकेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल महेश जी आपसे है, बात बनेगी कैसे, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारे कई उसमें स्ट्रांग होल्ड्स थे, ये आप साथ साथ चुनाव लड़ेंगे कैसे? जी गुड इवनिंग। देखिए ये जब तीन अलग अलग दल एक साथ में बैठकर एक गठबंधन बनाते हैं तो तीनों के अपने अपने कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके दल के कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं होती है। उन्हें, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को ऐसे लगता है कि कोई क्षेत्र में उनको लड़ना चाहिए, और तभी वो सिर्फ एक दल का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन का डिसीजन होता है। तो इसके लिए एक संवाद किया जाता है और वो संवाद तीनों दलों में है। तीनों दलों के नेता जो अपने अपने लेवल पे इसकी कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी सीटों पे एकमत हुआ है, कोई सीट ऐसी है जहां पर उनके जो पदाधिकारी है उनको ऐसे लगता है कि वहां पर उन्होंने सीट लड़नी चाहिए, तो ऐसे कोई 2 या 4 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। अभी आपने बात कही थी कि शिवसेना ने कहीं पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे आपने ही अभी दिखाया कि कोई जगह ऐसे भी है जहां पर कांग्रेस ने भी अपनी सीटें घोषित की है। तो जैसे कि रामटेक का बात की जा रही है, वैसे ही शिवसेना की जानना चाह रही हूँ महेश जी, वही मेरा एग्जैक्टली सवाल है। अभी आपने कहा ना तीन दल एक साथ आए, ऐसे लग रहा है एक सीट के लिए इलेक्शन तो बाद में होगा, उन तीन दलों के ही आपस में कंटेस्टेंट्स हैं जो लड़ रहे हैं, तो बाहर वाले कैंडिडेट से तो आप बाद में लड़ेंगे, पहले तो आप इंटरनल फाइट से निपटेंगे। और अब ये देखते हुए कि लोकसभा इलेक्शंस अगले महीने होने हैं, मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऐसे में मैसेज किया जाता है, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट होती है कि आपके अलाइज में और आपके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और पवार साहब ने खुद राजधर्म याद दिलाया, गठबंधन का जो धर्म है वो याद दिलाया। अदिति जी आपने सही कहा, मैसेज क्या देना है, मैसेज क्या जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए एक राजनीतिक दल जो होता है उसे जैसे कि जनता का सम्मान रखना होता है, जनता को एक अच्छा मैसेज, प्रॉपर मैसेज भेजना होता है, वैसे उन्हें अपना खुद का दल भी संभालना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि इलेक्शंस के मुंह पर अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो सकता है, वो दल बदल कर सकता है, ये भी सब चीजें होते हैं, ये भी संभालना पड़ता है। तो ये राजधर्म जो है, जब तीन दल एक साथ आते हैं तो उन्होंने इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है, इसकी पूरी कोशिश हम तीनों दलों के से हो रही है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे मैं आप लेके आना चाहती हूँ। अरुण कुमार यादव जी ये कह रहे हैं राजधर्म गठबंधन का जो धर्म होता है वो हर किसी को याद रखना चाहिए, जब दल एक साथ आते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। बिहार में, पूर्णिया में, बेगूसराय में कौन नाराज चल रहा है आपको पता ही है। आदिति जी बिहार में खास करके महागठबंधन में
इंडिया गठबंधन में कह सकते हैं ऑल इज वेल है। आज आपने देखा संयुक्त रूप से बिहार प्रदेश में तमाम इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, संयुक्त रूप से पीसी करके सीट की घोषणा किया। इनको कितने पूर्णिया में पप्पू यादव नाराज हैं, कन्हैया कुमार बेगूसराय में नाराज हैं, मैं उस पे जवाब मांग रही थी सर, जवाब दे दीजिए। हाँ, कोई नाराज है। अब जिनके खाते में जो सीटें गई हैं, अब मजबूती रूप से हम लोग 40 का 40 सीट महागठबंधन मजबूती के साथ वहां लड़ेगी और 40 का 40 हम जीतेंगे। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और बाहर तो तब जीतेंगे जब अंदर वालों से जीत लेंगे। ये जो इंटरनल फाइट्स है, ये जो फैक्शंस हैं, ये जो विद इन पार्टीज में भी फैक्शंस हैं, उन सब का इलाज क्या है ये देखते हुए कि ये इलेक्शंस अपोजिशन के लिए भी कहीं ना कहीं डू और डाई कॉन्टेस्ट है। यहाँ कहीं कुछ नहीं, जिस तरह की आप हाँ एनडीए की बात कह सकते हैं, एनडीए में यहाँ एनडीए बिखर चुका है। आपने देखा किस तरीके से पारस जीते 5 MP का सहयोग लेने का काम किया, जब टिकट देने की बारी आई तो दूध की माखी के तरह उनको निकाल के फेंक दिया गया। उनसे वार्तालाप भी करना उचित नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा मांझी जी को पूछा नहीं गया, एक सीट देकर छोड़ दिया गया। आपने देखा कुशवाहा जी को पूछा नहीं गया, एक सीट छोड़कर अब छोड़ दिया गया उनके लिए, वो तो पीसी में भी शामिल नहीं हुए। लेकिन इन लोगों के अंदर खास करके एनडीए में तो लोकतंत्र है ही नहीं। आप कह रहे हैं क्या लोकतंत्र नहीं है इनके यहाँ? लोकतंत्र नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने जीतन राम मांझी का जिक्र किया, तो जीतन राम मांझी ने आज क्या कहा? जीतन राम मांझी ने ये कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, सबको समझ में आ रहा है। वो अपनी पीरा छुपाने के लिए आते आते, हम लोग तो एनडीए महागठबंधन को सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत है बिहार में। 2020 से लगातार आप देख नहीं रहे क्या? वो कह रहे हैं तो गठबंधन है जो पेपर पे एग्जिस्ट करता है, उनका कहना ये पेपर पे एग्जिस्ट करता है और दिख जाएगा इलेक्शन में इसका नतीजा कि मैं क्यों कह रहा हूँ पेपर पे ही एग्जिस्ट करता है। बस सवाल रिमाइंड करिए, वो कह रहे हैं कि ये पेपर पे एग्जिस्ट करने वाला गठबंधन है, नतीजों में दिख जाएगा। नतीजों में उनको नहीं दिखा क्या? आपके पास नेता नहीं है प्रधानमंत्री जैसा, ये कह रहे हैं वो। 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा में नहीं दिखा क्या नतीजा? मात्र एनडीए से 12,000 वोट कम आए, 5-7 MLA अगर और जीत जाते, अगर शासनादेश के बल पर एनडीए हमारे उम्मीदवार को नहीं हराते तो हम तो यहाँ बिहार में चलिए जवाब दीजिए। आप राकेश सिंह ये कह रहे हैं एक तो इंटरनल फूट की बात ये आपके यहाँ कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं हम तो पूरे तरीके से कॉन्टेस्ट में हैं, पिछली बार हमने कैसी टक्कर दी है इनको, किसी से छिपाए क्या? नहीं, क्या टक्कर दी है? लगातार ये गठबंधन जो बन रहे हैं, गठबंधन का आधार क्या है? क्यों ये गठबंधन बना रहे हैं? ये गठबंधन के बनने का आधार कोई विचार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लगातार विपक्ष में बैठे हैं, इनको जीत मुहैया नहीं हो रही है, जनता लगातार नकार रही है, तो इनका गठबंधन विचार शून्य मुद्दा विहीन गठबंधन है। और हमारे यहाँ ये लगातार बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इनके यहाँ भी बात कितना ये बता रहे हैं कि एनडीए में भी बात किया। एनडीए में किसी ने कहा आपके यहाँ तो एक सीट पे आपके नेता संजय राउत ने जब अनाउंस किया सीट, तो आप ही के संजय निरुपम कह रहे हैं खिचड़ी चोर को हम समर्थन नहीं देंगे। खिचड़ी चोर क्या? तो आपके शब्द, आपके नेताओं के शब्द, आपकी जो जूतम पहजार हो रही है उसकी तुलना दूसरे से मत करिए। इंडी गठबंधन कुल मिलाकर विचार शून्य मुद्दा विहीन गठबंधन है, और जो भी विचार शून्य गठबंधन होता है उसका हाथ यही होता है। इनका केरल में क्या है? वामपंथी साथी इनके साथ नहीं है, इन्हीं के गठबंधन में तो पश्चिम बंगाल थे ना, सीपीआई सीपीएम से लेकर टीएमसी तक इनके साथ खड़े हैं। नहीं, कोई नहीं खड़ा है इनके साथ। तो हर प्रदेश में इनका गठबंधन है और गठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं, और इनकी स्थिति वही पिछली बार से भी कम सीटों पर इनका हस्त जो हुआ। चलिए जवाब ले लीजिए पहले अरुण कुमार यादव और फिर अनुप्रिया जी, जल्दी जल्दी प्लीज। अरुण कुमार यादव, जवाब आपका सर, सीधे तौर पर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो बोले जो पिछली बार मिला था वो भी नहीं मिलेगा इस बार। आदिति जी, इस बार बिहार में खाता नहीं खुलने जा रहा है, क्योंकि
17 साल में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने में करके दिखाया, बिहार में एनडीए 17 साल से सरकार में है, कुछ नहीं किया। 17 महीने में जो प्रण था तेजस्वी यादव जी का, 5 लाख मुहैया कराने का काम किया, जातीय गणना कराने का काम किया, 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हमने करने का काम किया। आपने देखा जाति आधारित गन्ना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया 75%। चलिए आप काम अपना गिनवा रहे हैं, अनुप्रिया जी से भी पूछ लेती हूं, जो काम गिनवा रहे हैं आपका काम है इनका काम है, कौन मांगेगा इसका क्रेडिट? अदिति जी पहले तो मैं विषय पे आ जाऊं जिस विषय पे आज डिबेट हो रही है, क्योंकि अरुण जी तो रोएंगे ही, उनकी मजबूरियां भी है, थोड़ा याददाश्त आरजेडी की पूरी कमजोर हो गई है। 17 महीने की सरकार कहते हैं तो मैं उनको थोड़ा याद दिला दूं कि आप सिर्फ 17 महीने सरकार में नहीं रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण आपने 2 बार डिप्टी सीएम के रूप में रहे तेजस्वी यादव जी, 2015 से 2017 तक। वो 2 वर्ष का पता नहीं क्यों इनको याद नहीं रहता है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को ये अपनी काम बताने का प्रयास कर रहे, इनमें यही एक ही बहुत बड़ी इनकी कमी है। और आज यही सच्चाई है कि देश में 2 गठबंधन है, एक एनडीए एक महागठबंधन है। दोनों गठबंधन का अलग अलग दृश्य क्या है कि एनडीए को पता है कि 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था उसको वो धरातल पर ला रही है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें क्या है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, सबका वही हाल है। क्यों ये हाल है कि सबको अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था कि देखिए आपकी स्थिति यह होने वाली है कि आप विपक्ष की भूमिका से आप दर्शक दीर्घा में चले जाइएगा, और ये तय कर दिया। दो आप बस देख लीजिए कि पहले आप बिहार में, अब इनका महागठबंधन के अंदर में सीट शेयरिंग का मसला इतना देर कर दिया, करते करते ये देख रहे हैं कहां एनडीए के तरफ में, जहां हमने कैंडिडेट बता दिया, हमने सीट बता दिया, हमने नॉमिनेशन कर लिया, अब आपके यहां चल रहा है कि पप्पू यादव जी नाराज है। इनकी बस एक ही मजबूरी है कि अपने अस्तित्व के साथ में महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल वह अपने परिवार को बचाने में लगे हैं। ठीक है, अस्तित्व बचाने के लिए आप मैदान में हैं अरुण जी, और परिवार को बचाने के लिए मैदान में। मैं वापस लौट दूंगी, प्लीज मैम डिबेट मुझे आगे बढ़ानी है, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, बिहार की जनता और देश की जनता भली भांति देख रही है और समझ रही है। जो कह रही है ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, परिवार बचाने की, इस पे जवाब दीजिए सर प्लीज, टू द पॉइंट। जी तो 2024 के चुनाव में समाप्त होने वाले 4 नंबर की पार्टी बन गए तो किसकी अस्तित्व खतरे में है, जग जाहिर है। और इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं, ये मुद्दे की बात करते ही नहीं, तो ये सारा चीज अब किस तरीके से नीतीश जी कह रहे हैं आपके पास मुद्दे नहीं है, आप कह रहे हैं इनके पास मुद्दे नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को क्लेम कर रहे हैं आपके पास मुद्दे नहीं। लेकिन उनका सवाल जो था महेश जी, वो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात आपकी पार्टी के लिए भी बार बार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के जो तमाम नेता है कहते रहे हैं कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, ये परिवार को बचाने की लड़ाई है। इस परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमें बताइए महाराष्ट्र में उनकी सरकार जिनके अंडर काम करती है, वो मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे जी, वो उनके शिवसेना के नेता भी है, वो उनके शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बेटा सांसद है, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ? अभी पंकजा मुंडे जी को टिकट मिला, ये परिवारवाद नहीं हुआ? किस परिवारवाद की बात करते हैं? और दूसरी बात यह होता है कि पहली बार अगर परिवारवाद की बात करें तो ठीक है, चलो एक नेता का लड़का या लड़की अगर राजनीति में आना चाहते तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पहली बार शायद ये होता होगा कि उसके पिता के नाम से उनकी मतलब उनका जो गुडविल है उसकी वजह से अगर उनको वोट्स जनता देती होगी, तो उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं 5 साल के बाद उनको दूसरे इलेक्शन फेस करने होते हैं, तो वो इलेक्शन में वो वोट्स कैसे मिलाते हैं? अपना जो पहला काम किया वो काम के बदौलत ही उनको वोट्स मिलती है। तो इसके बारे में बीजेपी के जवाब दीजिए, राकेश सिंह जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे उनके बेटे के बारे में क्या राय है? परिवारवाद 19 बार जिनके नेतृत्व में आप लगातार कांग्रेस हार रही है उनको भी नेता स्वीकार करके चलना आपकी मजबूरी है, यह परिवारवाद है। ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है सर, ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है, ऑडियो फिक्स कराएं प्लीज। महेश जी ये कह रहे हैं जो नेता बार बार हार रहा हो, जिसकी लीडरशिप में चुनाव बार बार हार रहा हो, राहुल गांधी की बात कर रहे थे,
ऐसे में आप उसी नेता को पुश करते रहे, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? नहीं देखिए, अभी राहुल गांधी जी वहां जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का अध्यक्ष खुद राहुल गांधी जी नहीं है। उन्होंने जब लास्ट इलेक्शंस में देखा उनको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वो बाजू हट गए, उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी की कमान अगर उन्होंने एक खड़गे जी जैसे आदमी के हाथ में दी है तो इसमें परिवारवाद की बात आती ही कहां पर है? अभी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है, देखिए पिछले 10 साल से बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट करके उनको सामने रखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अगर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो होती है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को सामने नहीं रखा जाता, पहले एक पार्टी को रखा जाता है, कैंडिडेट चुनकर आते हैं और फिर चुनकर आए हुए उम्मीदवार अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और वो जनता के सामने रखते हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं। तो इसमें परिवारवाद ये बोलना गलत है। अभी राहुल गांधी की आप बात कर रहे, सॉरी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इधर दूसरा कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है तो मैं बात करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी अपने जो एफर्ट्स ले रहे वो एफर्ट्स कुछ कम नहीं है। वो प्रधानमंत्री, आप देखिए अभी ये भी मैं यहाँ पर बोलूंगा तो वो गलत शायद होगा, अभी प्रधानमंत्री 60 दिन से जब से चुनाव डिक्लेयर हो गए वो देश का काम बाजू में रख के सिर्फ चुनाव के काम में लगे, वो सिर्फ पार्टी का काम कर रहे, वो सिर्फ कैंपेनिंग में लगे, ये कितनी सही बात है। तो ये भी नहीं, यहां भी इन्होंने परिवारवाद को पुष्ट किया। इन्होंने कहा कि लगातार जब हार रहे थे राहुल गांधी के नेतृत्व में तब उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने मतलब क्या, वही पानी का क्या? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत एक प्रक्रिया के तहत पार्टियां चलती हैं, दल चलता है, देश चलता है। राकेश जी वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव की बात करती है प्रेसिडेंट के लिए और आपकी पार्टी पर यही आरोप लगाती है कि आपके यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं होता। नहीं, वहाँ चुनाव क्या होता है ये तो इन्होंने बता दिया ना। इन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार हार रहे थे इस वजह से खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया। इसका मतलब पार्टी है, पार्टी के मालिक राहुल गांधी है, नेहरू खानदान है, उन्होंने उनको बना दिया भाई हम नहीं जीत पा रहे हैं। अरे तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर देते, लेकिन नहीं, आपके नेतृत्व में पार्टी चल रही है और आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे सहयोगियों ने यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सर आपकी पार्टी में भी आरोप लगता है कि सिर्फ दो ही लोग आपकी पार्टी चलाते हैं। अनुप्रिया जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका लूंगी, जल्दी से। नहीं नहीं, हमारे यहाँ परिवार नहीं चलाता है, हमारे यहाँ पूरा संगठन ही परिवार है और हमारे संगठन में जितने भी नेतृत्व में करता है और देखिए जितने भी वरिष्ठ नेता है किसी के भी, मैं मुझे कहता है पुत्र और पुत्री को कोई नहीं जानता हो कि राजनीति में कौन है। हम जैसे आम कार्यकर्ता हूं कि मौका मिलता है, लेकिन जो परिवारवाद का डेफिनेशन लोग बदल रहे थे मैं उसको थोड़ा सा दर्शन के बिहार का दिखाती हूं कि आप देखिए कुछ दिन पहले रैली होती है जिसमें लालू प्रसाद जी अपने दाएं अगल बगल में तेजस्वी और तेज प्रताप को हाथ उठाकर कहते हैं कि भाई आरजेडी की जो मेहनत है वो ये दोनों ने किया है। लाखों की कार्यकर्ताओं की भीड़ है लेकिन भीड़ का कोई श्रेय नहीं जाता है। अगर आप देखिए पप्पू यादव जी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो किसको लेकर शामिल होते हैं? अपने पुत्र जिनकी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं है लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की क्या? देखो जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है ना, देखिए बिहार में अब इन्होंने 9 सीट पर समझौता कर लिया है कि पता है कि हमको राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी जी को कैसे प्रोजेक्ट करना है उसके लिए नतमस्तक है। इनको कार्यकर्ताओं का नहीं बिल्कुल भी ध्यान में है कि जो कार्यकर्ता इनके लिए सिपाही बन के खड़े रहते हैं उनकी चिंता नहीं है। कार्यकर्ताओं का अपमान होता है जब परिवार को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है महेश जी, 20 सेकंड्स में मुझे शो क्लोज करना है, प्लीज जल्दी। हाँ जी, मुझे ये कहना है, आप अभी कह रही थी कि बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि उनके यहाँ पर सिर्फ दो लोग पार्टी चलाते, मैं तो उसके ऊपर जाके ये कहूंगा कि सिर्फ दो लोग पार्टी नहीं चलाते, सरकार भी तो सिर्फ दो ही लोग चला रहे, बाकी कौन सरकार चला रहा है? आप देखिए अभी निर्मला सीतारामन जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनको सिर्फ सैलरी मिलती है और वो सैलरी पे चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे एक सवाल अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना है, उनको भी तो सिर्फ सैलरी मिलती है तो प्रधानमंत्री जी के पास किधर से पैसा आता है चुनाव लड़ने का? अगर यही न्याय लगाए तो सीतारामन जी अगर चुनाव नहीं लड़ सकती तो प्रधानमंत्री जी का पैसा आता है, उनकी पार्टी को पैसा आता है, जैसे आपकी पार्टी को पैसा आता है, जैसे कांग्रेस को पैसा आता है, जैसे किसी भी दल को पैसा आता है। अदिति जी तो फिर सीतारामन जी को पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? अगर उनको चुनाव लड़ने को कहा जाता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को पैसा क्यों मिलता है? ये एक अलग डिबेट है, उसके लिए हम अलग वक्त रखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।